में आप सभी का स्वागत है। मैं दिव्या शुक्ला, आइए बढ़ते हैं खास खबर की ओर। बड़ी खबर सामने आ रही, जहां प्रेमनगर थाना क्षेत्र में 11 जून की हुई हत्या का पुलिस ने किया खुलासा। जानकारी के अनुसार प्रेमनगर थाना पुलिस को 11 जून की रात में पता चला था कि काट के पुल के पास बनी रेलवे कॉलोनी में रहने वाली युवती और उसकी बेटी पर अज्ञातों द्वारा घर पर सोते समय हमला कर दिया गया था। वहीं घायल मां और बेटी को मेडिकल कॉलेज भी भर्ती कराया गया था। वहीं पुलिस ने आज खुलासा करते हुए बताया कि महिला की हत्या करने वाले उसके भाई को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं आरोपी के बहन के कई लोगों से अवैध संबंध होने पर घटना को अंजाम दिए जाने का जुर्म कबूल किया है युवक ने। वहीं एसपी सिटी ज्ञानेंद्र कुमार ने क्या बताया, आइए चलते हमारे संवाददाता की ओर। सर, एक और दूसरा मामला है, हत्या का पूरा क्या मामला है? थाना क्षेत्र प्रेमनगर में 11/12 6/2023 की रात्रि में नीतू रायकवार और उसकी जो छोटी बच्ची थी, इन दोनों को सर में चोट लगी हुई थी। मौके पर पुलिस पहुंची थी, सूचना पर पुलिस ने इन लोगों को एडमिट कराया था हॉस्पिटल में। इलाज के दौरान ही उसी दिन करीब 12 बजे रात्रि में नीतू रायकवार की मृत्यु हो गई थी, जिसमें इनके पति की तरफ से FIR पंजीकृत कर ली गई थी। घटना अज्ञात में थी, पता नहीं चल रहा था कौन लोगों ने मारा है, लेकिन इसमें पुलिस टीम लगातार जांच कर रही थी। जांच से पता चला कि नीतू रायकवार के भाई, जिसका नाम मनीष रायकवार है, इनके बीच दोनों के बीच में अक्सर झगड़ा हो जाया करता था। जब मनीष रायकवार से थोड़ा कड़ाई से पूछताछ की तो इन्होंने घटना को कबूल किया और इन्होंने बताया कि रात्रि में करीब 4-5 के बीच में ये इनके घर में गए थे और इन्होंने लाठी से इनके सर में प्रहार किया था, जिसमें इनके बच्ची को भी चोट लगी थी और इलाज के दौरान इनकी मृत्यु हो गई थी। उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया था, मनीष रायकवार को जेल भेजा जा रहा है। सर, क्या कारण है सर मनीष रायकवार ने अपनी बहन को हत्या कर दी? ये नीतू रायकवार के पति अक्सर बीमार रहते थे, इनका इलाज चल रहा था और मनीष रायकवार के घर के अपने मायके में ही बिल्कुल बगल में ही ये रहती थी। उनके जो चाल चलन था उससे उसका भाई दुखी रहता था, परेशान रहता था और वो इनको अपने घर के बगल से इनको हटाना चाह रहा था, जिसको लेके इन लोगों के बीच में पहले भी कई बार झगड़ा हो जाया करता था और उस दौरान भी उस दिन भी यही घटना थी और इन लोगों के बीच में झगड़ा हुआ और उसने लाठी से सर पे प्रहार कर दिया था।